रिश्ता क्या कहलाता है का फोर्थ जनरेशन चालू हो गया है और इस बार की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। पिछले 3 जनरेशन में इन्होंने कभी भी लीड कपल में कोई लड़ाई झगड़ा या टशन नहीं दिखाया, लेकिन इस बार शुरुआत से ही लीड कपल में टशन दिखाया जा रहा है, छोटे मोटे झगड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये झगड़े अब नेक्स्ट लेवल तक जाने वाले हैं क्योंकि बहुत जल्द अरमान और अक्षरा एक केस के सिलसिले में एक दूसरे के अपोजिट खड़े होने वाले हैं। और अभीरा जो अपनी माँ को अपना आइडियल मानती है, उसे अरमान का इस तरह से उसके अपोजिट जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अभीरा जो हर वक्त बड़बड़ करती रहती है और हमेशा जरूरत से ज़्यादा बोलती है, वो अरमान को भी चैलेंज कर देगी। और यही नहीं, वो अरमान को गलत भी साबित कर देगी या गलत कह देगी कि वो मुजरिम को बचा रहा है तो वो गलत है। इस बात पे अरमान अभीरा को शांत कराएगा और उसे 3 चीज़ें समझाएगा कि कभी भी अपनी माँ की इज्जत को घटाओ मत, छोटी हो छोटी की तरह रहो, लॉ की पढ़ाई कर रहे हो लॉयर बनने की कोशिश मत करो, और जब तक कोर्ट कह नहीं देती तब तक कोई मुजरिम नहीं होता। इस बात से तो अभीरा का पारा बिल्कुल ही चढ़ जाएगा और इस तरीके से दोनों के बीच में एक टशन का वॉर चालू हो जाएगा। अब देखना ये है कि जब दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और अरमान जिसे रूही पसंद आ रही है, आखिर वो क्या वजह रहेगी जिसके चलते अरमान अभीरा से शादी कर लेगा।